वो हम लोग करने वाले हैं इस घर के अंदर। आज का व्लॉग जो है वो घर में ही शूट होगा। और यहाँ पे हस्बैंड ने ये वाली लाइट लगाई है और ये यहाँ मैच भी हो रही है इससे। की कबर्ड है, इसके लेवल में आए तो ज्यादा तो ये इधर मेरे ख्याल में सही रहेगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं घर पे आया हूँ तो शाम में अभी मैं बैठा हुआ था फ्री, तो बेगम ने मुझे अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। फ्री देखकर फौरन उनको मौका मिल गया और उन्होंने जो है मुझे एक टास्क दे दिया। वो टास्क क्या है वो आपको दिखाते हैं। चलें पूछते भी हैं कि जो है वो क्या कहना चाह रही हैं। असल में मेरी कुछ दिनों से तबीयत थोड़ी सेट नहीं थी तो इस वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर सका। तो अभी भी गले में थोड़ी खराश है, थोड़ी खांसी भी हो रही है मुझे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो अभी जो है आपको दिखाते हैं कि ये क्या हाँ जो है वो हम लोग करने वाले हैं इस घर के अंदर। आज का व्लॉग जो है वो घर में ही शूट होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? ये टेबल पे आपको सारा सामान बिखरा हुआ नजर आ रहा है। ये सारे सामान का क्या करना है बेगम? अच्छा तो ये जो है तो चले फिर स्टार्ट करें क्या? फिर मुझे जाना भी है थोड़ा नीचे। बताएं फिर आप ये कहाँ क्या 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 चीज़ें लगानी है। ये फ्लैग्स हैं। और अच्छा आप इसको इस तरह से लगा रहे हैं? हाँ ये जो है अपना दीवार में फिर हमें ज़्यादा होल नहीं करने पड़ेंगे ना, दीवार खराब हो जाएगी। ये डबल टेप भी अच्छी इसकी ग्रिप होती है तो ये अच्छा रहेगा। अच्छा भाई तो ये जो है इतनी सही है हाइट? नहीं थोड़ा ऊपर लग रहा है, नीचे करें। की कबर्ड है, इसके लेवल में आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऊपर नीचे चीजें नहीं होंगी फिर। चलो इंशाल्लाह। इसका वजन तो इतना है नहीं तो ये इंशाल्लाह ये जो है डबल टेप मैंने लगा दिया सेंटर में और ये कोने कोने पे तो ये इंशाल्लाह चिपका रहेगा इसके साथ। मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। ये देखें फ्लैग्स हैं और ये वाली लाइट्स भी लगानी है वॉल पे, डेकोरेशन पीस लाइट। ये तो ये डेकोरेशन दीवार में थोड़ी फिक्स हो गई है तो जमीन पे कहीं पे रखा जाएगा। और हमारे पास ये वाली लाइट्स भी है और जो हमारे पास रमजान करीम का जो सब हमारे पास ये है जबरदस्त का। ये इसको कहाँ लगाएं? बेटा तुमसे ना हो पाएगा। इसको कहाँ लगाना चाहिए? और इसके बाद एक ये भी है हमारे पास तो अब आप देखें कौन सी चीज कहाँ पे लगेगी। भाई मेरे ख्याल में ये जो है हम इस दीवार पे लगा लेते हैं अपनी, तो ये इधर मेरे ख्याल में सही रहेगा। अच्छा ये भी वेट लेस है तो इसको भी डबल टेप से ही आप लगा रहे हैं। दीवार में मैं होल नहीं करना चाह रहा ना, ज्यादा होल के दीवार खराब होगी। तो ये जो है बस टेप से क्योंकि अच्छा टेप है, इसकी ग्रिप अच्छी है तो इंशाल्लाह ये कहीं जाएगा नहीं। कितनी हाइट पर लगाने? यहाँ पे लगाने? यहाँ पे ये सहारा भी रहेगा, ये गिरेगा नहीं फिर। सीधा ही है। सीधा लग रहा? आप थोड़े से और राइट पे हूँ। ये वाला भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पीस लग गया। अच्छा भाई ये की होल्डर भी जो है ये मैंने इंस्टॉल कर लिया है इस, तो ये देख सकते हैं आप ये कबर्ड की तरह है। चलो भाई इसमें कीज भी आ गई। ये इधर की होल्डर आ गया और इधर ये आ गया अल्लाह के नाम। सही है, आई थिंक सही है। मैं देखती हूँ अभी। और यहाँ पे हस्बैंड ने ये वाली लाइट लगाई है और ये यहाँ मैच भी हो रही है इससे। और माशाल्लाह जो है यहाँ पे मगरिब की अजान हो रही है मक्का में।
चले जी आपको दिखाते हैं अभी तक क्या क्या काम हम लोगों ने कर लिया है इधर। ये देखें, एक तो ये इंस्टॉल कर लिया है, ये की होल्डर इंस्टॉल कर लिया है इधर। इसके अलावा जो है ये टीवी टेबल पे हमने ये लाइट इस तरीके से सजा ली हैं, बेगम के कहने पे सारी चीज़ें की गई हैं। और जो है ये वॉल पे जो है डेकोरेट किया है इस वॉल को, क्योंकि यहाँ पे हमारी डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल की भी सेटिंग हम थोड़ी चेंज करेंगे। और जो है ये मिरर पे ये लाइट्स भी लगा ली हैं, ये लाइट्स भी आपको जला के दिखाते हैं। ये देखेंगे मिरर पे जो है लाइट्स लग गई हैं इस तरीके से। और अभी जो है हम ये, हाँ, इस लाइट को भी जलाएंगे थोड़ी देर में एक्सटेंशन लगा के। अच्छा भाई, यहाँ हमने ये लाइटें लगाई हैं, अभी आपको किचन की लाइट बंद करता हूँ, फिर नजर आएंगी। ये देखें भाई, ये स्टाइल जो है मुझे समझ आ रहा है, और बेगम कह रही है कि आप इस तरह लगा दें। तो हाँ, आप लोगों का क्या मशवरा है, कौन सी साइड सही है, राइट वाली साइड या लेफ्ट वाली साइड, तो ये कमेंट्स में आप बताइए। तो जिसके कमेंट्स ज़्यादा होंगे तो हम लाइट की सेटिंग फिर वैसे ही कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमारा सेटअप हो गया है। ये इसमें वीडियो में इतना नज़र नहीं आ रहा है, ये रमज़ान करीम लिखा हुआ है, शायद अभी आपको नज़र आ जाए, नहीं तो लाइटें बंद करके मैं दिखा दूंगा। ये जो है इस तरह से ये सेटअप हो गया है, और ये इधर मिरर पे भी लाइट्स लग गई हैं, ये इधर भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी सारा हमने जो है वो लाइट्स वगैरह इंस्टॉल कर ली हैं, रख दी हैं ऐसी, क्यों ये बैटरी से चलती हैं। और ये जो हमारे लैंप है, ये भी चार्जिंग लैंप है, लेकिन ये इस वक्त इनकी बैटरी ख़त्म हुई हुई है, ये इस पर टच करने पर लाइटें जल जाती हैं इसकी। ये भी आप देख सकते हैं, ये भी हमने लगा दिया है दीवार पर, ये की होल्डर ये भी हमने लगा दिया है। और ये लाइट्स का जो है ये भी आपको फाइनल लुक दिखा दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह का शुक्र है, आज का टास्क जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। तो आप जो है मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, नई वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए।